देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 13 लोगों का बुधवार को निधन हो गया। पूरा देश इस हादसे से दुखी है। भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर बुधवार को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 13 की मौत हो गई। चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक इरादे वाले पड़ोसियों से देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती के लिए भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक भरोसा का नाम थे। कम से कम समय में ही उन्होंने देश को बुलंदियों पर चढ़ाया। बिपिन रावत की ज़िंदगी के कुछ अहम पड़ाव हैं, जिसमें उनका जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी उत्तराखंड गढ़वाल में हुआ, एक छत्री परिवार में हुआ। उनका परिवार चौहान राजपूत और मां परमार क्षत्रिय वंश की थी। जनरल बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रहे। जनरल रावत ने 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से अपना करियर शुरू किया। उनका जन्म 16 मार्च पौड़ी उत्तराखंड और निधन 8 दिसंबर 2021 कुन्नूर तमिलनाडु में हुआ। उनकी पूरी पढ़ाई भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से आर्मी की ट्रेनिंग के साथ हुई। फिर उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी BSC किया, सर्विसेज स्टाफ कॉलेज MPhil वहाँ से MPhil किया, फिर अमेरिकी सेना कमान और जनरल स्टाफ कॉलेज ILE से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बिपिन रावत वेलिंगटन और हायर कमांड फोर्स में कोर्स भी किया उन्होंने। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ने PhD की उपाधि से सम्मानित किया। 1978 दिसंबर में बिपिन रावत कमीशन ऑफिसर बने। 13 दिसंबर 2016 को जनरल रावत थल सेना प्रमुख बने। पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत 61 साल की उम्र में 2019 में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बनाए गए। उनके जो है पुरस्कारों में उनके नाम कई पुरस्कार शामिल हैं, जिसमें सबसे उच्च कोटि का है परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक। और उनकी नियुक्ति हुई सेकंड लेफ्टिनेंट 16 दिसंबर 1978 में। फिर दूसरे पद पे लेफ्टिनेंट बनाए गए 16 दिसंबर 1980 को। फिर उनका प्रमोशन हुआ कैप्टन के पद पे 31 जुलाई 1984 में। मेजर बनाए गए 16 दिसंबर 1989 में। लेफ्टिनेंट कर्नल बनाए गए 1 जून 1998 में। कर्नल 1 अगस्त 2003 में बनाए गए। ब्रिगेडियर बनाए गए 1 अक्टूबर 2007 में। मेजर जनरल बनाए गए 20 अक्टूबर 2011 में। लेफ्टिनेंट जनरल बनाए गए 1 जून 2014 में। जनरल COAS 1 जनवरी 2017 में बनाए गए। CDS बनाए गए 30 दिसंबर 2019 में। अपने 4 दशकों की सेवा के दौरान जनरल रावत ने एक ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान, सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, कर्नल सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव के रूप में कार्य किया है। जूनियर कमांड विंग में सैन्य सचिव की शाखा और वरिष्ठ प्रशिक्षक व संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा रहे। उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभाली थी। गोरखा ब्रिगेड में COAS बनने वाले चौथे अधिकारी बनने से पहले रावत थल सेना प्रमुख रहे। इस प्रकार से जनरल साहब कई उच्च पदों पर काम किया और हमारे देश की सेवा की। ये 8 दिसंबर 2021 को जो घटना हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें जो 13 लोग शहीद हुए उसको हम पूरे देशवासी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही हमारी कोचिंग की तरफ से, सक्सेस कोचिंग क्लासेस राजाजीपुरम लखनऊ की तरफ से, हम सब बहुत ही दुखी मन से उनको हम विदाई देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जो नए बच्चे हैं, जो नए अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जो जो देश की सेवा करना चाहें, वो उनके जीवन
वो पढ़ करके, जीवनी पढ़ करके हमारे देश की सेवा करें, उसी प्रकार से सेवा करें जैसे कि जनरल साहब ने सेवा की है। तो इसी प्रकार, इसी के साथ हम सभी दुखी मन से, अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।